हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसका नाम है सेंचेजिया। सेंचेजिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जिसकी पत्तियाँ डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और उसमें येलो कलर की लाइंस बनी होती हैं। ये पार्शियल शेड में अच्छे से चल जाता है, मतलब 1-2 घंटे की ही हल्की धूप इस पौधे के लिए सफिशियंट है। दूसरे फॉलिएज प्लांट की तरह ये भी अपने डोरमेंसी पीरियड से अभी अभी बाहर निकला है और इसमें नई नई ग्रोथ आने लगी है, तो अभी बेहतर समय है इसके रिपोर्टिंग के लिए। इसकी पत्तियाँ पूरे साल भर इतनी ही खूबसूरत रहती हैं। इसमें फूल भी खिलते हैं, जिनका कलर येलो, ऑरेंज और रेड का मिला जुला सा रहता है। हालाँकि मेरे प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, उम्मीद करती हूँ कि आगे होगी इसमें फ्लावरिंग। इसे मैंने बारिश के टाइम में कटिंग से ग्रो किया था, जिसे मैंने शेयर भी किया हुआ है पिछले वीडियो में आपसे। उस समय मैंने 2 कटिंग को ग्रो किया था छोटे छोटे पॉट में। एक को तो मैंने इस गमले में अभी रिपॉट किया है, इस छोटे से गमले से निकाल कर, ये 3 इंच का पॉट था, और दूसरे को मैंने कप में लगाया था तभी, और ये 7-8 महीने से इसी में है, तो अब तक इसमें रूट बॉन्ड हो चुका होगा। तो पहले इसको निकाल कर देखते हैं, और उसके बाद में जो 3 इंच का पॉट खाली हुआ है उसमें मैं इसको रिपॉट कर दूंगी। जब मैंने इसे कप में लगाया था, तब मैंने सोचा था कि जैसे इसमें रूटिंग शुरू होगी मैं इसको निकाल कर दूसरे पॉट में लगा लूँगी, पर ऐसा कर नहीं पाई और ये 8 महीने से इसी कप में लगा रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से एक कप में यह प्लांट चल जाएगा इतने दिनों तक। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि इसका रूट बॉन्ड हो चुका होगा, ये देखिए निकालने के बाद सही में इसमें रूट बॉन्ड हो चुका है ये प्लांट। तो सेंचेजिया के इस प्लांट को एक साइड में रखते हैं और मिट्टी की बात कर लेते हैं। मैंने इसके लिए जो मिट्टी तैयार की है वो फर्टाइल और भुरभुरी मिट्टी है, एकदम वेल ड्रेन सॉइल। इसमें एक हिस्सा मिट्टी है, एक हिस्सा बालू है, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट है। काउडंग या गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, इसलिए इसमें बालू या कोकोपीट मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा लकड़ी वाला कोयला भी मिलाया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े करके। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं मिट्टी तैयार करूँ पौधों की, तो उसमें थोड़ा सा लकड़ी का कोयला भी ऐड कर देती हूँ। कोयला जो है गमले की मिट्टी को हल्का बनाता है और मिट्टी के मॉइस्चर को बैलेंस करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं जो पौधे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। कोयला जो है मिट्टी में फंगस नहीं लगने देता, कोयले से मिट्टी में कोई बदबू नहीं आती, काई नहीं लगती, ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं कोयले के। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मिट्टी तैयार करूँ उसमें थोड़े बहुत कोयले के टुकड़े मिक्स कर देती हूँ। प्लांट्स की जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, तो पुराने गमले से थोड़े से बड़े गमले में शिफ्ट करती हूँ। एकदम से बड़ा गमला मैं किसी भी प्लांट को नहीं देती हूँ, धीरे धीरे करके गमले के साइज़ को बड़ा करती हूँ। गमले के ड्रेनेज होल में मैंने एक दिए को रख दिया है, ताकि ड्रेनेज होल बंद ना हो और पानी ड्रेनेज होल से निकलता रहे। इसके बाद मैंने रेत की एक परत बिछाई है और फिर तैयार मिट्टी को इसमें डाला है। अब मैं इसमें सेंचेजिया के प्लांट को लगाऊंगी। प्लांट के रूट्स में जो लगी हुई पुरानी मिट्टी है उसको मैंने अलग नहीं किया है, उसके साथ ही मैं इसको लगा रही हूँ, और अब मैं पॉट की बाकी खाली जगह को मिट्टी से भर दूंगी। सेंचेजिया के गमले की मिट्टी को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पानी की कमी से इसकी पत्तियाँ लटक सी जाती हैं। पर ज़्यादा पानी भी इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए इस प्लांट में पानी के बैलेंस को बनाकर रखना पड़ता है। और अब बारी है पौधे को पानी डालने की। जब भी पौधे को लगाती हूँ मैं, तब उसमें वाटरिंग ज़रूर करती हूँ और शावरिंग भी कर देती हूँ, ताकि पौधे को जो शॉक लगा हो वो उससे थोड़ा सा उबर पाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सेंचेजिया के प्लांट की रिपोर्टिंग की और उसे आपसे शेयर किया। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।